बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की जो सोच है हमेशा ओबीसी के उत्थान के लिए है। हम दिल्ली में बोट क्लब पर माननीय श्री कांतिराम साहब ने, माननीय बहन जी ने कई महीनों तक धरना और प्रदर्शन किया। माननीय श्री कांतिराम साहब ने नारा भी दिया कि हम बोर्ड से लेंगे CMPM और मंडल से लेंगे SPDM। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी के उत्थान के लिए हम इस बिल का बहुजन समाज पार्टी पुरजोर समर्थन करती है। SC ST के प्रमोशन, ओबीसी के प्रमोशन में रिजर्वेशन और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल लेकर आए, हम आपका पुरजोर समर्थन करेंगे। धन्यवाद। श्री राम जी, 4 मिनट्स प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय कि मुझे आपने इस 105वें संविधान संशोधन बिल पर बोलने का अवसर दिया, और आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को कि उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से मुझे इस बिल पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। श्रीमान जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओबीसी के लोग बहुजन समाज का अभिन्न अंग हैं, और ओबीसी के मान सम्मान के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक बराबरी के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था करी, और आर्टिकल 340 की व्यवस्था के तहत उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने आर्टिकल 340 को लागू नहीं किया। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस तत्कालीन सरकार से क्षुब्ध होकर के भारत सरकार के प्रथम कानून मंत्री के रूप से रिजाइन कर दिया, और साथ उसके साथ ही बाबा साहब ने उस वक्त के जो हमारे राष्ट्रपति जी थे उनको लेटर लिखा कि देश आजाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई है ओबीसी के उत्थान के लिए आर्टिकल 340 की, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तब राष्ट्रपति जी के इंटरफेयर की वजह से उस वक्त काका कालेकर आयोग बनाया गया, और काका कालेकर आयोग जब बना तो उसकी सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया, और उसके बाद भी मंडल कमीशन बनाया गया, मंडल कमीशन की सिफारिश को भी लागू नहीं किया गया श्रीमान जी। और आप सब जानते हैं कि उस वक्त माननीय श्री कांतिराम साहब ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने के लिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, और यहां तक कि दिल्ली में बोट क्लब पर माननीय श्री कांतिराम साहब ने, माननीय बहन जी ने कई महीनों तक धरना और प्रदर्शन किया, और यहां तक माननीय श्री कांतिराम साहब ने नारा भी दिया कि हम वोट से लेंगे CMPM और मंडल से लेंगे SPDM। ये नारा माननीय श्री कांतिराम साहब ने उस वक्त दिया। इसलिए साथियों, माननीय श्री मानवर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो ये बिल आया है और हमारी जो सोच है कि माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की जो सोच है हमेशा ओबीसी के उत्थान के लिए है। हम लोग हमेशा ओबीसी के उत्थान के लिए, ST ST दबे कुचलों के उत्थान के लिए काम करते हैं, और इसी सोच के परिणाम के स्वरूप उस वक्त भी जो सरकार बनी, माने बीपी सिंह जी की सरकार बनी, उनके सामने हमारी पार्टी ने अपनी शर्तों को रखा, उनको समर्थन की जरूरत थी, शर्तें रखी कि आप हमारे मंडल कमीशन सिफारिश को लागू कर दो और बाबा साहब को भारत रत्न आप उनको दे दीजिए सर, श्रीमान जी। और उस वक्त बीपी सिंह जी ने आवश्यकता अनुसार हमारी बातों को माना और इस देश के अंदर मंडल सिफारिश कमीशन को लागू किया, और यहां तक कि बाबा साहब को भारत रत्न भी मिला। इसलिए हम इन परिणाम स्वरूप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी के उत्थान के लिए हम इस बिल का बहुजन समाज पार्टी पुरजोर समर्थन करती है साथियों। इसके साथियों, श्रीमान जी एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोटी सी बात है लेकिन श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश में ही सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 मार्च 2019 में एक विज्ञापन संख्या 49 में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट महाविद्यालयों में प्राचार्य पदों हेतु कुल 290 पदों की वैकेंसी निकाली, लेकिन इसमें ओबीसी ST ST लोगों को आरक्षण ही नहीं दिया गया। और इस विषय पर मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर जवाब दें, अगर आपकी मंशा इन कमजोर दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी SC ST ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन सुनिश्चित करें, और साथ ही ओबीसी के और SC ST एम्प्लॉइज को प्रमोशन में भी आरक्षण देने का काम करें, तब तो लगेगा आप रियल सही मायने में ओबीसी दबे कुचले लोगों का भी आप उत्थान करना चाहते हैं। अभी माननीय श्री काफी हमसे उम्र में बड़े हैं, सुशील मोदी जी बोल रहे थे, माननीय प्रधान जी बोल रहे थे कि हमने उत्थान के SC ST के उत्थान के लिए बहुत सारे हमने काम कर दिए हैं, तो हम उनके सामने आपकी सरकार के कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं
कि 2008 में नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव फॉर गर्ल्स सेकेंडरी एजुकेशन एक स्कीम बनाई गई जिसमें 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, और उस वक्त यह कहा गया कि जो एससी एसटी के जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिनकी बच्चियां कक्षा 8 कक्षा 5 के बाद ड्रॉप आउट कर देती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनकी शिक्षा को कंटिन्यू करने के लिए 18 साल तक उनको इस तरह की इंसेंटिव दिए जाएंगे, उसको भी आपने पूरी तरह से लगभग लगभग बंद कर दिया है, आपने पूरा तरह से इसे खत्म कर दिया है। और इसके बाद साथियों, श्रीमान जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दलितों के बाबा साहब की फोटो लगाने से अगर दलितों का उत्थान होता, ओबीसी का उत्थान होता, एसटी का उत्थान होता, तो श्रीमान जी बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट से लेकर कन्याकुमारी तक बाबा साहब के फोटो लगा देती साथियों। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब तक हम बाबा साहब के मंशा के अनुरूप, बाबा साहब के संविधान के अनुरूप काम नहीं करेंगे, तब तक इन वर्गों का उत्थान नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आजमगढ़ में एक घटना घटी। दलित समाज का पासी बिरादरी का एक प्रधान था, प्रधान पति है श्रीमान जी, एक प्रतिष्ठित फैमिली है, और उस बस मैं खत्म कर रहा हूं, और उसका भाई जो है पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है, उसकी फैमिली गांव में रुकी हुई थी, किन्हीं कारणों में किसी से विवाद हुआ, वहां की सारी फोर्स पहुंची, सारी पुलिस पहुंची, और उन महिलाओं को बेइज्जत किया, उनके कपड़े फाड़े गए, और रात में 12 1 बजे कई थानों के, मैं श्रीमान जी आपको बात बता रहा हूं, आप बात कर सकते हैं, और कई थानों पुलिस पहुंची, बुलडोजर लेकर के उनके मकानों को ध्वस्त किया गया। श्रीमान जी, वो लोग कोई अपराधी नहीं थे, कोई क्रिमिनल नहीं थे, कोई डॉन माफिया नहीं थे, वो एक साधारण से प्रधान के पति थे, माने कि अपने गांव में प्रतिष्ठित लोग थे, साथ में अगल बगल में 5 और दलित परिवारों के भी मकान ध्वस्त कर दिए गए। इसलिए श्रीमान जी, इन सब बातों पर ध्यान रखिए, और मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि एससी एसटी के प्रमोशन, ओबीसी के प्रमोशन में रिजर्वेशन और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल लेकर आए, हम आपका पुरजोर समर्थन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।